लेकिन देश के आदिवासियों को एक अखिल भारतीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। अखिल भारतीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो संसद में जाकर यह संविधान में और बाकी कानून में अमेंडमेंट कर सके, जो विधानसभा में जाकर आपका लैंड रेवेन्यू कोड 1959, आपका पंचायत राज अधिनियम 1993 और डीएमएफ रूल्स 2015 को अमेंड कर सके। अगर भूपेश बघेल जी आपको नहीं समझता है तो मैंने ये पिटीशन में 26 जनवरी के कहा है कि बगैर संविधान को अमेंड किए भी केवल डीएमएफ के रूल्स को अमेंड करके, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड करके भी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को मिनरल्स का शेयर होल्डिंग राइट दिया जा सकता है। मैंने बताया कैसा हो सकता है। एंड देयर वाज यू सी रेस सो मेनी स्लोगन्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी फूल्स, यू डोंट नो द पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीव अपार्ट द सीएडीज in the Government of India Act 1935 and all other preceding UC Acts and World Constitutions and the Human Rights. Panchvi Anusuchi ke paad bill ke para 5 2 3 4 5 ko yadi governor amend kar de उसके पावर को यूज करके डीएमएफ रूल्स को 2015 के यदि अमेंड कर दे, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 को यदि अमेंड कर दे, तो आज भी छत्तीसगढ़ में जितनी खनिज संपदा है उसका 30-25% शेयर होल्डर ये छत्तीसगढ़ का आदिवासी बन सकता है, ये बन सकता है। और ये मैंने इस पिटीशन में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कोट कोट करके यहाँ की सरकार को बताया है। और भूपेश बघेल जी, मैं आपसे कह रहा हूं आपकी सरकार में भी कुछ बहुत अच्छे काम नहीं हो रहे। अभी उस दिन सुकमा बीजापुर में मार दिया गोली, क्या गांव का नाम था वो, सिलखेर। फिर आप वहां पर देवास जिले में आदिवासी के पूरे परिवार को गाड़ दिया मारकर। दिल्ली में एक शेड्यूल्ड कास्ट की लड़की थी 9 साल की, उसके साथ कौन पंडित पुरोहित कहा के बेवकूफ अज्ञानी पोंगा पंडित पता नहीं है, इन्होंने जो है वो रेप किया दिल्ली के अंदर में। ये काम बंद होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। कम से कम मैं भूपेश बघेल जी को कह रहा हूं, कानून व्यवस्था एक अलग विषय है लेकिन आदिवासियों को गोली यदि अगर आप मानोगे तो याद रखना भूपेश बघेल जी, ये वही एपीआई है और वही विजय मानकर है जिसने छत्तीसगढ़ घूम घूम के बीजेपी को छत्तीसगढ़ के एक एक एमएलए सीट से हराया है। इस बात को आपको और रिकॉर्ड उठाकर देख लो, सारी आदिवासी सीटों में बीजेपी हार गई है एमएलए का इलेक्शन। यही वो एपीआई जिसने झारखंड में बीजेपी को हराया है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। भूपेश बघेल जी, अगर आपके अंदर समझ है तो आदिवासियों पर ही अन्य अत्याचार हो रहा है उसको तुरंत बंद करो। कोई कह रहा सीओ पैसा रिलीज नहीं कर रहा है, डालो उसके ऊपर में एट्रोसिटी का केस। अगर सीओ करप्शन कर रहा है तो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर में और बाकी ग्राम सभा करो, ऑडिट करो और डालो कि सीओ जो है वो रिलीज नहीं कर रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी का करियर जो है वो समाप्त नहीं करना चाहते, लेकिन आदिवासियों के साथ, ओबीसी के साथ, शेड्यूल्ड कास्ट के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ और युवाओं के साथ कोई भी सरकार यदि गलत करेगी तो विजय मानकर और एपीआई उस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो ये काम करने के लिए हमको संसद जाना पड़ेगा और 2024 में मैं संसद जा रहा हूं, 2024 में मैं संसद जा रहा हूं। आपका प्यार रहा, समझदारी रही, आशीर्वाद रहा, तो मैं 2024 में संसद जाऊंगा और इसी छत्तीसगढ़ से भी हम एक नहीं कई सांसद यहां से जीतेंगे, विधायक भी जीतेंगे। और लिख के रख लो, विजय मानकर अपने दिमाग का और अपनी बात का पक्का इंसान है। मेरी लड़ाई बंदूक से नहीं होगी, मेरी लड़ाई होगी बुद्धि से, ज्ञान से, कलम से और वोट से। मेरी लड़ाई होगी ज्ञान विज्ञान से, कलम से और वोट से। और ये बात लिख के रख लो,
2024 में मैं संसद जा रहा हूं आपके प्यार आशीर्वाद और समझदारी से, और यदि मैं संसद चले गया तो इनकी सबकी बैंड बाजा बारात निकालूंगा।